वंदे मातरम साथियों, हमारे शरीर पर लगने वाली चोट आम तौर पर दो तरह की होती है। एक होती है गुम चोट यानी कि अंदरूनी चोट, और दूसरी होती है बाह्य चोट यानी कि बाहर की चोट, जिसमें हमारे शरीर का छिलना, कटना या उसमें खून निकलना शामिल है। तो दोनों तरह की चिकित्साएं अलग अलग होती हैं, दोनों के नुकसान भी अलग अलग होते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपनी गुम चोट के बारे में यानी अंदरूनी चोट के बारे में। अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी कारण से कोई चोट लग जाती है जिसमें खून ना निकला हो, तो गुम चोट जो हमारे शरीर की अंदरूनी चोट होती है, अगर ऐसी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है या किसी को भी ऐसी चोट आई है, तो उसके लिए आज हम कुछ औषधियों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, किसी भी तरह की कोई गुम चोट है किसी भी कारण से हुई हो, तो उसके लिए आयुर्वेद में कौन सी औषधि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको गौमूत्र लेना है। गौमूत्र की जब भी हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हम देशी गाय के मूत्र की बात कर रहे हैं। सबसे पहले गौमूत्र लेना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और गेंदे के फूल की पत्तियां लेनी है। गेंदे का जो फूल होता है, फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं उनको निकाल लीजिए। उसके बाद उन सब को मिलाकर अच्छे से पत्थर पर पीस लीजिए, सिलवट्टे पर पीस लीजिए, और जहां पर भी गुम चोट है वहां पर लगाकर उसको अगर आप बांध देंगे तो बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलने वाला है। हड्डी की दर्द भी कम करेगा, सूजन भी कम करेगा और इसको जल्दी ठीक करेगा। इसके अलावा एक काम और है जो आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में एलोवेरा है तो एलोवेरा का वो पत्ता ले लीजिए। एलोवेरा को आप लेकर उसका एक साइड जो है उसके ऊपर की परत हटा दीजिए और उसको नीचे पल्प दिखने लगेगा, उसको आप गैस पर या कहीं पर भी आग पर थोड़ा सा सेक लीजिए। सेकने के बाद जहां पर आपके गुम चोट है वहां पर उस पत्ते को रख दीजिए और उसको हल्के से पट्टी से लपेट दीजिए, जिससे कि वो जो एलोवेरा है वो चोट पर लगा रहेगा। ये भी आपके चोट को बहुत जल्दी ठीक करने वाला है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, और ये औषधि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो होम्योपैथी की औषधि है। होम्योपैथी की औषधि बहुत फास्ट काम करती है। ये जो आज की दवा की बात कर रहे हैं ये इतना तेज काम करेगी कि जितनी तेज इंजेक्शन कोई काम कर सकता है आप सोच सकते हैं, उतनी तेज ये औषधि काम करती है। कई लोगों पर इसका प्रयोग किया जा चुका है, 100% ये दवा काम करती है, कभी फेल नहीं हुई। उस दवा का नाम अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो आपको वीडियो बार बार बैक करके देखना पड़ेगा। उस औषधि का नाम है आर्निका मोंटाना, ARNICA, आर्निका MONTANA, मोंटाना, आर्निका मोंटाना। ये होम्योपैथी की औषधि है। आप जब होम्योपैथी शॉप पर, होम्योपैथी स्टोर पर जब ये औषधि लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको कई तरह की औषधियाँ दिखाएंगे इसी नाम की, और उसमें आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कई तरह की औषधियाँ होती हैं जो कोई जर्मन की कंपनी बना रही है तो हो सकता है उसके प्राइस थोड़े ज़्यादा हों, कोई भारतीय कंपनी बना रही है तो हो सकता है उसके प्राइस कम हों। आपको चुनाव करना है आप कौन सी औषधि लेना चाहते हैं। मैं प्रेस्क्राइब करूँगा, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कोई भी भारतीय कंपनी की ले सकते हैं, उस कंपनी की औषधि ले लीजिए, और उसका यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। औषधि आप ले आए हैं तो उसमें ध्यान रखिए, कहीं भी चोट लगी हो दो दो बूंद 10-10 मिनट पर 3 बार देना है। 24 घंटे के अंदर आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि टाइम मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया आपको, क्योंकि जब चोट लगती है कोई गुम चोट तो उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और दर्द जब होता है तो ये औषधि आप दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए या 10-10 मिनट पर 3 बार ले लीजिए। डिपेंड करता है आपकी चोट कितनी क्रिटिकल है। अगर छोटी मोटी चोट है तो आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, या शुरुआत में आप 10-10 मिनट के अंतर पर ले सकते हैं। इसको रिपीट भी कर सकते हैं आप, दिन में एक 10-10 मिनट पर ले लिया, फिर एक डोज आपने दोपहर में ले ली, एक रात को सोते समय भी ले ली। तो ये दवा बहुत फास्ट काम करती है। इसमें पोटेंशी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, पोटेंसी होती है इसमें, इसकी पावर्स होती हैं अलग अलग। जैसे आर्निका मोंटाना मैंने आपको औषधि का नाम बताया था, उसके आगे एक नंबर लिखा रहता है, जैसे कि 30, जैसे कि 200, जैसे कि 1000, जैसे कि 1 लाख, तो ये नंबर आपको लिखना होगा। आपका जो कोई अगर नॉर्मल चोट है तो इसके लिए आप आर्निका मोंटाना 200 ले सकते हैं। आप नंबर के नाम के आगे 200 लिख लीजिएगा। अगर कोई भयंकर चोट है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके उन नाम के आगे आप 1000 लिख लीजिएगा। और अगर कोई और ज़्यादा तगड़ी चोट है जिसमें डॉक्टर ने आपको एडमिट होने की सलाह दी है, तो उस कंडीशन में आप इसको 1 लाख में भी ले सकते हैं।
जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाएगी, द पावर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसकी डोज कम करते जाएंगे। तो जब आपकी पावर बढ़ जाती है तो इसमें डोज आपको करना है, मान लीजिए 1,00,000 की पोटेंसी में आप इस दवा को ले रहे हैं तो आपने महीने में सिर्फ एक बार ही लेना है, दिन में 3 बार ले सकते हैं आप, नहीं तो दिन में 1 बार भी लेंगे तब भी ये दवा पर्याप्त काम करेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि औषधि लेने से ये रक्त कोशिका, मांस कोशिकाएं जो मार या टूट फूट के कारण मर जाती हैं वहाँ पर ये नई कोशिकाएं बनाने का काम करती है, और अगर क्षतिग्रस्त हैं तो उनको बहुत जल्दी रिपेयर करने का काम करती है। प्लास्टर, अगर कहीं हड्डी टूट गई है तो प्लास्टर चढ़ गया है तो उसके बाद भी आप ये औषधि दे सकते हैं। अंदर की चोट को जिसमें खून नहीं निकला उसकी ये सबसे अच्छी औषधि है, और बहुत जल्दी ये उस चोट को रिकवर करती है, चोट को या उस जख्म को ठीक करने का काम करती है। इसके अलावा अगर कहीं हड्डी टूट गई है तो उसमें आप गेहूं के दाने के बराबर चूना ले सकते हैं, पानी में घोलकर, छाछ में डालकर, दाल में डालकर, गुड़ के साथ मिलाकर, लगभग सभी खाने पीने वाली चीज़ों में डालकर आप दिन में एक बार सुबह के समय या दोपहर के समय चूना ले सकते हैं। सबसे अच्छा सुबह के समय होता है। ध्यान ये रखना है कि आपको दूध को छोड़ देना है, दूध में नहीं मिलाना है, बाकी हर किसी में आप ले सकते हैं। वो लोग भी चूने का प्रयोग ना करें जिनको पथरी रही है या पथरी की शिकायत है। उसके अलावा अन्य कोई भी चूने का प्रयोग कर सकता है। हड्डी टूटने के बाद अगर उसमें प्लास्टर आपने करवा रखा है, हड्डी को ठीक बिठा रखा है, तो आप चूना लीजिए। अगर आपने हड्डी को ठीक से नहीं सेट किया है तो वो अगर टेढ़ी है तो वो हड्डी टेढ़ी ही जोड़ देगा वो चूना आपका। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हड्डी को किसी चिकित्सक, योग्य चिकित्सक के पास आप उसको ठीक करवाएं, उसके बाद आप चूना ले सकते हैं तो बहुत जल्दी रिकवर करने का काम करेगा। तो इस तरह से ये 2-3 औषधियाँ जो मैंने आपको बताई इनको याद रखिएगा, जैसे कि गौमूत्र, हल्दी और गेंदे का फूल, उसके बाद एलोवेरा, उसके बाद चूना, और होम्योपैथी की सबसे अच्छी औषधि जो चोट में सबसे अच्छा काम करती है वो है आर्निका मोंटाना 200 या आर्निका मोंटाना 1000। तो ये औषधि अगर आप घर में रखेंगे तो बहुत काम आएगी आपके। अगर घर में छोटे बच्चे हैं जिनको बार बार गिरते पड़ते रहते हैं, जिनको बार बार चोट लगती रहती है, तो कम पोटेंसी यानी आर्निका 30 या आर्निका 200 आप लाकर घर पर रख लीजिए। जब भी ऐसा कोई हो, ज़्यादा चोट लगती है, तो बच्चे को 1 बूंद या 2 बूंद की मात्रा आप दे सकते हैं, दिन में 3 बार दे सकते हैं, नहीं तो दिन में 1 बार दे सकते हैं, चोट की प्रकृति पर ये निर्भर करता है। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अपने ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।